सबको राम राम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरे जैसे युवा भाइयों को ढेर सारा प्यार। आज का जो मुद्दा है वो द कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर है। जैसे आप लोग सब ये सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर फाइल्स है ये एक फेक प्रोपेगंडा मूवी के ऊपर बनी है। ये फेक प्रोपेगंडा बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें पहले बताना चाहूंगा, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कश्मीर भाइयों और बहनों के साथ क्या बीती है। और जैसे ये इतने बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी इसके ऊपर लगी हुई है, इसको प्रमोट करने के लिए बीजेपी के नेता इसके पोस्टर लगा रही है, और जैसे वो ये मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इतने बड़े जेनोसाइड के लिए इतने ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उनसे केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, जब 83 मूवी कपिल देव जी की अगर टैक्स फ्री कर सकते हैं तो फिर कश्मीर फाइल करने में क्या हर्ज है? मैं जम्मू का रहने वाला वासी हूं और हमने अपने बड़ों से, यहां तक कि हमारे करीबी दोस्त हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर के रहने वाले थे, उनसे हमने ये जब किस्से सुने हैं, सच्ची में उनको सुन के हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये जब मूवी बाहर निकली कश्मीर फाइल्स, और जब हमारे पूरे देश ने मूवी देखी, सब जनताओं की आंखों में एक आंसू थे, दिलों में एक दुख था। सब कह रहे थे कि उनके साथ कश्मीरी पंडितों का बहुत बुरा हुआ है, और इसी बात पे केजरीवाल जी मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको टैक्स फ्री क्यों किया जाए, टैक्सी से अच्छा इसको यूट्यूब पे डाल दी जाए, ये एक प्रोपेगंडा है। ऐसी बातें उनको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। ये जो एक जेनोसाइड हुआ है हमारे कश्मीरी भाइयों पे और बहनों पे और बच्चों पे, ये अगर कोई उनसे पूछे तो उनको पता चले कि ये कितना दुख भरी कहानी है। मैं ये चाहता हूं कि वो हमारी जनता से और कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे, और ये प्रोपेगंडा को हंसी मजाक में ना लेके जाए, ये बहुत सीरियस मैटर है। उनका ये शोभा नहीं देता, वो दिल्ली के सीएम है, उनका ये शोभा देता है कि वो इसको प्रमोट करें, मूवी को प्रमोट करें, लोगों तक लेके जाए, सच्चाई पता चले, लोगों को भी अगर पता चले कि आखिरकार कश्मीर में हुआ क्या है। देखो सच्चाई जो है वो कभी भी छुप नहीं सकती, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको बहुत समय लगा है बाहर निकलने में, और अगर ये सच्चाई बाहर नहीं निकलेगी और लोगों को नहीं पता चलेगी तो आने वाले समय में लगता है कि जम्मू वाले वासियों के साथ भी सेम हो सकता है। क्या पता कि जम्मू वाले वासियों को भी अपना घर बार छोड़ के जाना पड़े, भागना पड़े, तो फिर क्या करेंगे? मुझे खाली एक बात बताए, ये एक ऐसा प्रोपेगंडा है जिसमें लाखों लोग मरे हैं, लाखों फैमिली ने बड़ा कुछ सहा है, कितने साल तक वो भूखे प्यासे लाचार अपने माँ बाप के बिना कुछ बच्चे रहे हैं, और वो उस पर ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो एक ऐसी पार्टी है जो लोगों तक सच्चाई पहुंचा रही है, लोगों को बता रही है कि कश्मीरी भाइयों के साथ बहनों के साथ क्या हुआ है, कैसे कत्लेआम हुए हैं शरेआम कश्मीर में। और मैं चाहता हूं कि जो ये मुजरिम है कश्मीरी पंडितों के, उनको सजा दी जाए। और केजरीवाल जी प्लीज आप इस बात को सीरियसली लें, हंसी मजाक में दिल्ली के असेंबली में इसका मजाक न उड़ाएं कि भाई ये तो फेक प्रोपेगंडा है, जो हो गया सो हो गया, कश्मीरी भाइयों के साथ ये वो, ये अच्छा ये शोभा नहीं देता इतने बड़े नेता को बोलना। और जैसे देखो केजरीवाल जी अगर 83 मूवी अगर टैक्स फ्री हो सकती है तो ये मूवी क्यों? अगर केजरीवाल जी किसी मूवी के लिए तारीफ करें और ट्वीट करें कि आर्टिकल 15 इज अ वेरी गुड मूवी, मस्ट वॉच, और बैंक बहुत अच्छी मूवी है, मैं अपने परिवार के साथ देखने गया, बहुत अच्छा लगा, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये उनकी ट्वीट है। अगर वो किसी मूवी को प्रमोट करें, वो किसी मूवी को प्रमोट करें और बोलो कि ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, 83 जैसे टैक्स फ्री हुई तो कश्मीर फाइल बनी हो सकती, इसमें हंसने वाली क्या बात है?
मैं केजरीवाल से ये चाहता हूँ कि पूरे हमारे देश की जनता से माफी मांगे, कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे, बस मेरे इतना ही।